हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज जो है हम एक गाँव में जा रहे हैं। दार्जिलिंग का एक गांव है, उसका नाम है रिम्बिक और ये 55 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग टाउन से। और इस गांव में हम मंगलवार के दिन जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन जो है हाट लग रहा है और ये हाट जो है सिर्फ मंगलवार को लगता है। इसे हम रिम्बिक बाज़ार भी बोल सकते हैं। जो आज हम जहाँ पर है ये रिम्बिक बाज़ार है और इस बाज़ार में मंगलवार के दिन लोग जो है अपना लोकल सामान को लेके आते हैं और बेचते हैं, जो उनके बगीचे में या कोई बिजनेस कर रहे हैं उन्हें लोग बेचते हैं। इवन बाहर से लोग आते हैं बेचने के लिए। सो दार्जिलिंग के हर एक गाँव में हाट लगता है और हाट के दिन में जो है लोकल सामान ज़्यादातर बेचा जाता है या फिर लोग एक गाँव से दूसरे गाँव में जाके भी बेचते हैं। और साथ ही साथ जो लोग है, गांव के लोग है, जो हाट के दिन ही निकलते हैं अपने घर के सारे ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि इस लोकल मार्केट में क्या क्या बेचा जाता है। आइए हम देखते हैं आज के इस वीडियो को। सो जो गांव में है आपको पता है कि ज़्यादातर लोकल फ्रूट्स बहुत ही फेमस होता है। सो दार्जिलिंग फेमस है संतरा के लिए या फिर ऑरेंजेस के लिए। बनाना आपको मिल जाएगा, शुगर केन, बीन्स, बी, ये सभी जो है लोकल फार्मर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में लेके आते हैं। और साथ ही साथ लोकल कपड़े या फिर विंटर वेयर जो है बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग में। आपको पता है कि विंटर वेयर दार्जिलिंग में बहुत ही रीजनल प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही अच्छे होते हैं देखने में। सो लोग ज़्यादातर है जो मार्केट में आके जो विंटर वेयर बहुत ज़्यादातर खरीदते हैं और यहाँ पर इतना रीजनेबल होता है कि गाँव के लोग आराम से खरीद सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा जो लोकल बीन्स या जो फ्रूट्स है वो बेचा जाता है। अदरक है, ये लोकल है। और ये जो है जरा बोलते हैं हम इसे ये जो स्क्वाश का जरा है ये आलू का जैसा टेस्ट होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। और ये मसाले हैं जो घर में जो जितने भी जो मसाले चाहिए वो है। और मैं दार्जिलिंग में जो है ज़्यादातर जो खुला मसाला है ये सभी बहुत ही अच्छे है, फ्रेश होता है और बहुत ही साफ है। ये जो छोटे छोटे चम्मच या चिमटियाँ जो घर में चाहिए वो सब भी मिलता है यहाँ पर। साबुन भी जो है लोकल होता है, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, बहुत ही अच्छे, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही अच्छा झाग देता है या साफ करता है। सो आपको एक ही दुकान में बहुत ज़्यादा सामान मिल जाता है। तो दार्जिलिंग में जो अभी संतरा का सीजन तो आपको हर एक दुकान में संतरा, गुआवा, ये जो हर एक दुकान में दिखाई देता है। सो विंटर बहुत ही नज़दीक है इसलिए बहुत ज़्यादा जो जैकेट है या गर्म थर्मल का क्लोथ्स बहुत ज़्यादा बेचा जाता है अभी मार्केट में। इवन दो दार्जिलिंग में हर एक महीना जो विंटर का क्लोथ्स होता ही होता है क्योंकि यहाँ पर ठंड कभी भी आ सकता है, थोड़ा बारिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो लोगों को जो है गर्म कपड़े चाहिए। बर्तन बहुत ही जो घर में यूज़ किया जाने वाला बर्तन भी बेचा जाता है और एक्सपेंसिव नहीं है। जूते, चप्पल, ये सभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और मच्छी, ये जो मच्छी है ये ज़्यादातर प्लेन से आता है क्योंकि जो दार्जिलिंग में लोग मच्छी लोकली नहीं पालते क्योंकि हिली एरिया है तो झील वील यहाँ पर लोग नहीं रखते हैं। लेकिन अदर जो मीट आइटम है वो अच्छी तरह से मिल जाता है लोकल में, लोकली लोग पालते हैं और उसे बेचते हैं। लेकिन मच्छी जो है प्लेन से आता है तो प्लेन से भी लोग आते हैं बेचने के लिए बहुत ज़्यादा सामान। और आपको लोकल बेकरी भी मिल जाएगा, जो जितने जो बिस्किट बंस है वो भी मिलता है लोकल मार्केट में। साग सब्जियां जो है बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग में। अगर आप दार्जिलिंग में आएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा साग खाते हैं। ये जो सारे जो पास्ता के लिए जो मटर जो पास्ता के लिए जो मिलता है पास्ता का वो भी मिलता है। साथ साथ में आपको ड्राई फिश, अंडा,
सभी मिल जाता है ये मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग के लोग ड्राई फिश भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बंगाली लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं ड्राई फिश, तो ड्राई फिश को एक चटनी के रूप में खाया जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर हमें इस मार्केट में सब्जियाँ और कपड़े ज़्यादा मिलता है, तो ये हर एक लोकल मार्केट या हाट में यही ज़्यादा सामान मिलता है, और ज़्यादातर यही ज़्यादा सामान एक घर में चाहिए भी, तो लोग आते हैं और अपने जो घर के सारे ज़रूरत के सामान खरीदते हैं। तो हमें इस मार्केट में आके बहुत ही मज़ा लगा, क्योंकि हम ज़्यादातर टाउन के मार्केट होते हैं लेकिन देखते हैं, लेकिन जो गांव का मार्केट होता है वो उसमें अलग ही मज़ा आता है। आप इसी तरह से हमारे वीडियोस और चैनल को देखते रहिए, आप बहुत सारे लोकल जगहों को देख सकेंगे और जान सकेंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें इंडियन लोकल फूड को। थैंक यू सो मच।